हुरुम जरी मयाम नमस्ते नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पोम्फ्रेट फिश बनाने का एक आसान तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 600 ग्राम के करीब पोम्फ्रेट फिश। इसमें 4 पीस मिले मुझे। और फिश को फ्राई करने से पहले मैं इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पे स्लिट कर लूँगी। फिश को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। इस तरीके से स्लिट लगाने से फिश के अंदर मसाले जो हैं बहुत अच्छे से चली जाती हैं और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप एक फ़िश लवर हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करके खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो सेम वे में मैंने सारे ही फिशेस को इस तरीके से कट लगा लिया है दोनों ही साइड। अब हम फिश के ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे इस तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे दोनों ही साइड। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही फ्राई करने से पहले। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का प्याज को इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। 1 इंच अदरक और 6 से 7 लहसुन की कलियों का भी एक पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का टोमेटो का भी प्योरे बना लिया है। 10 मिनट भी हो चुके हैं तो चलिए फिश को फ्राई कर लेते हैं। फिश को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। कभी भी आप मीट या फिश फ्राई करें तो मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। फिश का एक साइड जब आपको लगेगा कि अच्छी तरीके से पक चुकी है तभी आप इस फिश को पलटिएगा। इस फिश को बहुत ज़्यादा उलट पलट नहीं करिएगा क्योंकि ये फिश बहुत नरम रहती है तो टूटने का चांसेस रहता है। तो आप आराम आराम से बनाइएगा इस फिश को। तो सेम वे में मैंने चारों ही फिश को इस तरीके से फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब हम इसको एक प्लेट में उठा लेंगे और साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। मसाला बनाने के लिए मैंने उसी ऑयल का यूज़ करी है और ऑयल का क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा कमा लिया है। ऑयल गर्म होते ही 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी 1 मिनट के लिए मैंने गर्म तेल में चटकने के लिए दिया है। उसके बाद मैंने जो प्याज ग्राइंड करके रखे थे उसको डाल दिया है। प्याज को मुझे अभी एकदम ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम आप मीडियम में रखिएगा। प्याज अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी मुझे प्याज के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता। ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। मैंने 2-3 मिनट के लिए चला लिया है मीडियम फ्लेम में। अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे टोमेटो प्योरे, और साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया के स्टॉक और थोड़ा सा नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक्कन लगा के मुझे तब तक पकाना है जब तक इस मसाले में से तेल छोड़ने ना लग जाए। बीच बीच में आप चलाते रहिएगा। प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो अब हम ऐड कर देंगे सूखे मसाले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर थोड़ा सा पानी के साथ। अब हम इस मसाले को फिर से अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे 1 बड़ा ग्लास गुनगुना पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और पानी में एक उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुकी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 ग्रीन चिलीज। इसको मैंने हल्का हल्का स्लिट कर लिया है, और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी जो फिश हमने फ्राई करके रखे थे। स्पैचुला की हेल्प से हम लोग फिश को ऐसे हल्का हल्का दबा लेंगे जिससे ये पानी के अंदर चला जाए, और ढक्कन ढक के इसको हम लोग कम से कम 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन खोलने के बाद आप फिश को ऐसे ही हल्का हल्का हिलाइएगा। उसको आप उलट पलट करने जाओगे तो फिश टूट भी सकती है, बहुत नरम रहती है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ऐड करी है 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेशली कटा हुआ धनिया से इसको गार्निश करी है। अब हम इसको फिर से ढक के 1 मिनट के लिए रहने के लिए रख देंगे। भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।